हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की मेरी नई रेसिपी है मिक्स वेज, जो बहुत ही आसान है। तो उसके लिए मैंने सारी सामग्रियों की तैयारी कर ली है काट कर। ये रहा प्याज, गाजर, फ्रेंच बीन, फूल गोभी, टमाटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, मटर, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा थोड़ी सी, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस, विनेगर, और इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। प्याज को एक मिनट चलाने के बाद मैं इसमें फूल गोभी डाल दूंगी। सब्जियों को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, ज़्यादा लाल होने से फिर क्रंची नहीं रह पाता है, और मिक्स वेज थोड़ा क्रंची ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेंच बीन। और साथ में गाजर भी। करीब 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें पत्ता गोभी डालूंगी। और साथ में मटर भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी मिर्चा का पाउडर भी डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी ताकि सब्जी थोड़ी जल्दी से गल जाए। करीब 5 मिनट
मटर ये सब पकने के बाद इसमें मैं डालूंगी टमाटर। टमाटर गलने के लिए इसे मैं 2 मिनट ढक कर रख दूंगी एकदम मध्यम आंच पर। टमाटर भी अब करीब गल चुका है। अब इसमें मैं सारा सॉस विनेगर डाल दूंगी। और इसे कुछ देर के लिए और ढक दूंगी। टमाटर गलने तक पकाने के बाद मैं इसमें अब शिमला मिर्च डालूंगी। शिमला मिर्च लास्ट में इसलिए डालती हूँ कि उसका कलर बना रहे, नहीं तो ज़्यादा देर उबलने से शिमला मिर्च का कलर थोड़ा डाउन हो जाता है। अब मैं इसे खोल कर ही पकाऊंगी। करीब 2 मिनट लगेंगे इसे शिमला मिर्च को सॉफ्ट होने में। सब्जी हमारी करीब पक चुकी है। अब मेरी सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है। अब मैं ऊपर से इसमें धनिया पत्ता गार्निश कर दूंगी। सब्जी बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए रेडी है। देखिए सब्जी एकदम क्रंची, अलग अलग सब, बिल्कुल गला हुआ नहीं है। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ मज़े लेकर खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे आप सब। हरे कृष्णा। है ना बिल्कुल मज़ेदार, क्रंची, क्रिस्पी।